गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज नागरिक सुरक्षा संगठन सिविल लाइन प्रयाग द्वारा एक बैठक आहूत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नागरिक सुरक्षा संगठन के नियंत्रक अपर जिलाधिकारी नगर श्री आलोक वर्मा, नव नियुक्त चीफ वार्डन श्री नजरुल इस्लाम निर्यातक, नव नियुक्त डिप्टी चीफ वार्डन श्री पंकज सक्सेना जी को सम्मान देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ माँ सरस्वती के चित्र पर माल्य अर्पण कर किया गया। पोस्ट वार्डन साहित्यकार डॉक्टर पूनम मंसल द्वारा काव्य पाठ किया गया। साहित्यकार विवेक निर्मल जी द्वारा मंच संचालन सफल रूप से किया गया। इस अवसर पर कटघर डिवीजन के डिविजनल वार्डन मोहम्मद खालिद एवं पोस्ट वार्डन पूनम बंसल व सभी पोस्टों से सभी पोस्ट वार्डन व ISU मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन नागरिक सुरक्षा सिविल लाइन प्रयाग द्वारा किया गया। संयोजन प्रभागीय वार्डन सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, भाग्यवान विचित्र शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा कार्यालय के चमन शर्मा, नेम सिंह, तुषार अग्रवाल, उमेश शर्मा, अनुभव गुप्ता, बबीता बिश्नोई, दुर्घटना नियंत्रण अधिकारी राजीव बिश्नोई, वसीम अख्तर आदि मौजूद रहे। आज नागरिक सुरक्षा संगठन सिविल लाइन प्रभाग का ये कार्यक्रम यहाँ हुआ, जिसमें आज नव निर्वाचित हमारे चीफ वार्डन और डिप्टी चीफ वार्डन उनका सम्मान भी हुआ। और ये कार्यक्रम मुख्य रूप से अपने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हुआ, जिसमें आज हमारे उप नियंत्रक के रूप में आदरणीय महोदय ADM सिटी साहब, जो इसके नियंत्रक के रूप में यहाँ हैं, वो हमारे बीच में मौजूद रहे और सबको उन्होंने मार्गदर्शन दिया। कुछ झंडों का भी वितरण होना है, वो झंडे भी वितरण करवाए गए। साथ ही साथ आगे के दायित्व उन्होंने बताए और खास तौर से नागरिक सुरक्षा संगठन के लोगों को कहा कि अभी COVID-19 का प्रोटोकॉल बनाकर रखें और लोगों को जागरूक भी करें। मेरा भी यही सभी नगरवासियों से निवेदन है कि वो खूब हर्ष और उल्लास के साथ इस गणतंत्र दिवस को मनाएं, झंडा अपने घरों पर लहराएं और COVID-19 का प्रोटोकॉल बनाकर रखें। धन्यवाद।